राज्य में भारी वरसाद की शक्यता नहींवत देखाई रही है। राज्य में छूटो छवायो वरसाद रहेशे। वरसादी सिस्टम सक्रिय न थता सामान्य वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। दक्षिण गुजरात ना सूरत नवसारी वलसाड में सामान्य वरसाद रहेशे, तो साथ ही तापी भरूच और दमण में पण सामान्य वरसादनी हवामान विभागे आगाही करी छे। तो बीजी बाजु अमदावाद गांधीनगर दाहोद और महिसागर में पण सामान्य वरसाद रहेशे। सौराष्ट्रनी वात करिए तो राजकोट जूनागढ़ मोरबी और भावनगर में पण सामान्य वरसाद रहेशे। अमरेली गीर सोमनाथ और द्वारका में हळवो वरसाद पड़ी शके। तो उत्तर गुजरात में बनासकांठा साबरकांठा मोड़सा पाटण में पण सामान्य थी मध्यम वरसाद रही शके। राज्य में सामान्य वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। आगामी सात दिवस क्या वरसाद पड़ी शके छे तेनी वात करिए तो महिसागर दाहोद अमदावाद तापी नवसारी वलसाड राजकोट अमरेली जूनागढ़ में वरसाद पड़ी शके छे। कि हम बात करें तो बनासकांठा साबरकांठा अहमदाबाद और दाहोद जो है इसमें मुख्य तौर पे जो है लाइट रेन होने की संभावना है, और साउथ गुजरात में डांग नवसारी वलसाड तापी दमन और डीएनएच में जो है लाइट रेन की संभावना है। अगर हम डे टू ऑनवर्ड्स बात करें तो रेनफॉल में ड्रास्टिक चेंज देखा जाएगा और मुख्य तौर पर जो बरसात है वो साउथ गुजरात तक सीमित रहने की संभावना है, जिसमें से मुख्य तौर पर नवसारी वलसाड तापी दमन डीएनएच और डांग में जो डांग तथा सूरत में भी जो है हल्की फुल्की बरसात देखी जा सकती है। और अगर हम सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो कच्छ मुख्य तौर पे अगले सात दिनों तक ड्राई रहने का संभावना है, और सौराष्ट्र में जो है साउथ सौराष्ट्र के जूनागढ़ तथा गिर सोमनाथ में जो है लाइट रेन होने की संभावना है।